नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सेना के कई बड़े पदों पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। सेना ने यहां पर एक नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू की जगह पर नियुक्त किया है। BS राजू को यहाँ पर सेना कमांडर के रूप में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम सेना कमान में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर का यहाँ पर स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी को यहाँ पर दक्षिण पश्चिम सेना कमान में यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। BS राजू का सेना के उप प्रमुख के रूप में यहाँ पर केवल 10 महीने का भी कार्यकाल रहा है। नए कार्यकाल में यहाँ पर 8 महीने और साथ ही रहेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की पदोन्नति पर अपने नए कार्यकाल में यहाँ पर स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने 1 मई को उप प्रमुख के रूप में यहाँ पर पदभार संभाला। भारत और चीन में चल रहे तनाव और साथ ही यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सुखोई 30 MKI और साथ ही MiG-9 आपको बता दें कि यहाँ पर 29 फाइटर जेट देने के लिए यहाँ पर तैयार है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के यहाँ पर महानिदेशक यूरी सेल्यूसर ने बताया कि यहाँ पर नए फाइटर जेट देने की यहाँ पर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर MiG-29 फाइटर जेट का यहाँ पर अत्याधुनिक वेरिएंट भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एयरक्राफ्ट करियर पर इस्तेमाल होता है। इससे पहले यहाँ पर लद्दाख में तनाव के बीच चीन के यहाँ पर रूस को भारत के यहाँ पर हथियार और साथ ही फाइटर जेट देने का विरोध किया था। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने भी यहाँ पर यूरी के हवाले से कहा है कि यहाँ पर रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई फाइटर जेट की आपूर्ति कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इन सुखोई विमानों के कई जो है कल पुर्जे तो यहाँ पर भारत में ही बनाए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम भारत के साथ लंबी अवधि का सहयोग करना चाहते हैं। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे, जहां सरकार डिजिटल पेमेंट का लगातार बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो वहीं फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला सहित 2 युवकों को यहां पर कश्मीरी युवकों ने मेले में एक जो है क्राफ्ट्समैन को यहां पर 34,000 रुपये की ठगी का शिकार बनाया। आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले में यहाँ पर लगे एक हैंडक्राफ्ट कालीन के यहाँ पर स्टॉल पर तीनों आए और साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि सूरजकुंड में लगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेले में नेटवर्क की यहाँ पर काफ़ी परेशानी है, जिसके चलते मेले में यहाँ पर देशी विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों को यहाँ पर बल्कि मेले में आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ठग इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित स्टॉल संचालक ने यहाँ पर इसकी शिकायत सूरजकुंड थाने में की है और पुलिस CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। आपका मेरा नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, क्या हुआ है आपके 824 नंबर स्टॉल पर, क्या हुआ है? ये ऐसा एक्चुअली वो बंदा आया 2:20 पे, ठीक है। एक्चुअली मैं वो आया कारपेट देखा, 5-6-7 कालीन पसंद किए, वो बोला फोल्ड कर दो, अकाउंट नंबर डिटेल मांगा, पासबुक का उसको फोटो दिए। वो दूसरा बंदा था हमारा, वो डील किया, वो उसने पैसा अकाउंट में बोला ट्रांसफ़र हो गया, सक्सेसफुल दिखा दिया उसने। अच्छा। उसने दिखा दिया, मैंने इसको रोक के, ग्राहक को रोक के उसको भेजा आगे, तो वो गया आगे दिखा के आया, बोला ठीक है, ये नहीं बोला मेरे से कि पैसा आ गया है। तो वो इशारे में मेरे को बोला कि अगर मैं समझा आ गया होगा, वो उतने में कारपेट दे गया, बाहर पहुँचा के आया। उधर से आया तो बोला कि अभी पैसा नहीं आया है कुछ, मैसेज हमका क्यों दिया कारपेट तुमने, देना है रोक लेते उसको, उसको कल देते कारपेट, एड्रेस दे देता। सर, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी हुई है, कितने की ठगी है, क्या है पूरा मामला? और ये कल का वाक्य है, कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरजकुंड मेले में शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी, वो उसका सामान लेके चलते चले गए। ओनर की शिकायत पे थाना सूरजकुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की CCTV फुटेज आगे हैं, CCTV फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा।
और चलिए बात अब फरीदाबाद के क्षत्रिय राजपूत सभा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर बल्लभगढ़ स्थित महाराणा प्रताप भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर समाज में पढ़ाई और साथ ही खेलों के क्षेत्र में अग्रणी रहे यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और पिरथला से विधायक नयन पाल रावत, पूर्व विधायक शारदा राठौर, क्षत्रिय सभा के यहाँ पर अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह, भाटी ठाकुर, राजाराम मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर गाँव जो है भवलपुर की यहाँ पर बेटी प्रीति रावत HCS अधिकारी बनकर जहाँ प्रदेश और साथ ही क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, तो वहीं यहाँ पर बेटी नेहा रावत ने भी खंड विकास और साथ ही पंचायत अधिकारी बनकर नाम रोशन किया। इसके अलावा अन्य बच्चों ने भी यहाँ पर पढ़ाई में, खेलों में और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि यहाँ पर जो गाँव पहले लड़ाई झगड़े और अन्य कामों के लिए यहाँ पर जाने जाते थे, आज उसी गाँव के बच्चे जो है अच्छा काम कर, जिस पर देश और साथ ही क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन किया है। मैंने मेहनत तो मैं काफ़ी वर्षों से कर रही थी, लेकिन इस मेहनत की प्रोसेस में जितना भी टाइम लगा, सबके प्रयासों से, चाहे वो समाज हो, परिवार हो, उसके मेहनत से यहाँ पर पहुँची हूँ, और इसीलिए समाज की वजह से हूँ, तो इसलिए समाज की वजह से। खुशी और गर्व का दिन हमारी इस बरादरी और हमारे समाज के लिए है कि हमारे समाज के, क्षत्रिय समाज के आज से 4 से 5 बच्चे जो जिनका सिलेक्शन HPSC मेंबर के रूप में, DFSC मेंबर के रूप में और अन्य स्थान जिन्होंने नौकरी और पेशे में प्राप्त किए हैं उनका, और कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल या अन्य मेडल लेकर गए हैं, आज उनका स्वागत और सम्मान हम सभी बिरादरी वालों ने किया है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक है और हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो भाई नैनपाल रावत जी हैं, चाहे मैं हूँ, डॉक्टर हरिंदर पाल हैं, भाई राजा राम जी हैं, प्रताप भाटी हैं, हमारे संरक्षक राजेश रावत जी हैं, हम सब लोगों ने मिलकर आज यहाँ जो बच्चे HCS बने हैं, जो बच्चे वीडियो बने हैं, जो बच्चे खेलों में अपना एक्सेल करके आए हैं, तो उन सभी बच्चों को हमने आज सम्मानित किया है। और फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर आपको देखिए यहाँ पर टोल प्रशासन की तरफ से फुल बॉडी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर तमाम टोल कर्मचारियों के साथ साथ बताया जा रहा है कि वाहन चालकों का भी यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप करवाया गया। इस मौके पर टोल मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि यहाँ पर गदपुरी टोल प्रशासन समय समय पर समाज हित में काम कर रहा है और पहले भी यहाँ पर कई बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा चुका है, साथ ही आई चेक का भी यहाँ पर आयोजन हुआ, हेलमेट बांटने जैसे भी काम समाज हित के लिए किए गए हैं, आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। वहीं चेकअप करवाने के बाद टोल कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार के चेकअप कैंप आगे भी लगते रहने चाहिए। पवन कुमार, साइट SRDATR पवन जी, आज जो चेकअप किया जा रहा है सभी कर्मचारियों का, जी जी, क्या है पूरा, किस तरह का कैंप ये? सर SIC के माध्यम से जो कर्मचारियों का, किसी प्राइवेट संस्था में कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उसका SIC का जो पैसा कटता है, उस पैसे के बिहार पे इस उसको उसको और उसके परिवार को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। अनिल जी, आज ESI की तरफ से चेकअप किया गया है, दवाइयों की तरफ की गई है कर्मचारियों को, तो कितना जरूरी समझते हैं आप इसको, किस तरह के चेक करते रहे ताकि कर्मचारी को सहूलियत मिले? हमने अपने प्लाजा पे ESI का कैंप लगवाया, अवेयरनेस कैंप लगवाया है, जो अपने लेबर है या अपने एम्प्लॉई है उनका चेकअप करा रहे हैं, हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, अगर कुछ मिलता है तो उनको दवाई दे रहे हैं, अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो उसको रेफर किया जा रहा है हॉस्पिटल में। हम लोग किस तरह का फायदा और कितना ज़रूरी है, क्योंकि रोड पर रहते हैं कर्मचारी, धूल मिट्टी के बीच रहते हैं। हाँ, रोड पर रहते हैं, पॉल्यूशन की है और बहुत सेफ्टी के हिसाब से भी हमने इनका मेडिकल कैंप टेस्ट करवाया। और से बात अगली खबर की करेंगे, आपको देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश में थाने चौकी खोलने का फैसला लिया, और वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट की भोनखाल पुलिस चौकी का भी यहाँ पर BJP मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने यहाँ पर भोनखाल में पुलिस चौकी का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भोनखाल में पुलिस चौकी खोलने की यहाँ पर मांग ग्रामीणों की तरफ से लंबे समय से की जा रही थी। भोनखाल चौकी के अंतर्गत 30 गांव शामिल हैं जो उसमें आते हैं, और BJP मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी ने यहाँ पर कहा कि भोनखाल में पुलिस चौकी खोलने से अपराध पर लगाम लगेगी। आज हमारे क्षेत्र भोनखाल में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मैं मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी मछोड़ से वहां पर उद्घाटन में शामिल हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और सांसद अजय टमटा जी का और अपने माननीय
इस क्षेत्र के विधायक महेश जीना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब उम्मीद यह है कि इस क्षेत्र में पुलिस चौकी बनने से क्राइम कम होंगे और महिलाओं को सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब पटवारी क्षेत्र था तो महिलाओं की यहाँ पे कुछ सुनी नहीं जाती थी। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे आप लोग, यहाँ पर विदिशा के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है श्री हरि वृद्ध आश्रम के यहाँ पर जो है निर्धन और साथ ही बेसहारा बुजुर्गों के यहाँ पर अनूठी होटल पार्टी हुई है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने एक आलिशान होटल में गर्मा गर्म जो है दाल बाफले और साथ यहाँ पर लड्डुओं का आनंद केवल भोजन क्या है बल्कि यहाँ पर होटल में बुजुर्गों ने यहाँ पर गाने गाकर डांस भी किया। इस दौरान यहाँ पर होटल संचालक ने भी बुजुर्गों को यहाँ पर उनके उपयोगी उपहार भेंट किया और साथ ही फूलमालाओं से स्वागत किया। इस साथ ही आप बता दें कि यहाँ पर विदिशा जिला मुख्यालय के यहाँ पर होटल राजावत के 10 वर्ष पूरे होने का यहाँ पर होटल राजावत के संचालक महिपाल सिंह राजावत और साथ यहाँ पर गजेंद्र पाल सिंह ने यहाँ पर अपने होटल के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री हरि वृद्ध आश्रम के यहाँ पर बुजुर्गों को यहाँ पर सम्मान सहित होटल में आमंत्रित किया था। होटल राजावत के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रिय छोटे भाई महिपाल जी, उनके बड़े भाई हमारे आदरणीय गजेंद्र भाई साहब द्वारा 10 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा अनूठा आयोजन उन्होंने किया है। शहर के लोगों को तो उन्होंने आमंत्रित किया ही है, लेकिन जो वृद्धाश्रम में दुर्भाग्य से कुछ हमारे लाचार बेबस बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भोजन कराने का काम उन्होंने बहुत ही आत्मा से, बहुत ही सम्मान के साथ जो उन्होंने इस तरह से भोजन कराने का काम किया है। आपने मानव जीवन पाया है, आप ये मत सोचना कि आपका कोई सहारा नहीं, सबका सहारा ईश्वर होता है, लेकिन इस धरती पर भी लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, वो ईश्वर नहीं तो ईश्वर के दूत जरूर है। ऐसे ईश्वर के दूत में से एक वेद प्रकाश शर्मा भी है जो सहारा देते हैं। और विदिशा के पठारी में ग्राम पंचायत पठारी में आप यहाँ पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर और साथ ही ग्राम पंचायत के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत भवन में इसका आयोजन हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी ने यहाँ पर किया, जिसमें 280 मरीजों की यहाँ पर जाँच की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 75 मरीजों को यहाँ पर चश्मा और साथ ही 38 मरीजों के ऑपरेशन के लिए यहाँ पर उनको ले जाया गया। शिविर में यहाँ पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर से आए डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर लखन शर्मा, देवेंद्र योगी, रणधीर सिंह, पवन बोई, नीलम जादौन और साथ ही समाज से भी सुनील पिघले आकाश शर्मा की टीम ने यहाँ पर मरीजों की आंखों का चेकअप किया। और चलिए बात करेंगे मौसम से जुड़ी हुई खबर की। आप तो देखिए यहाँ पर मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर अगले कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली समेत यहाँ पर अन्य इलाकों में मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है, कहाँ पर गर्मी पड़ेगी, कहाँ पर बारिश शुरू होने वाली है। विभाग ने बताया कि यहाँ पर आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर हल्की से माध्यम जो है वो बारिश हो सकती है, बर्फबारी होने का भी अनुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में मौसम यहाँ पर जो है कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बताया कि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के कारण 18 से 20 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर हल्की सी छिटपुट बारिश होने और साथ ही बर्फबारी होने की उम्मीद है। देश के सभी यहाँ पर क्षेत्र में बारिश जो है सामान्य से कम रहने की भी संभावना है। विभाग ने बताया कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम और साथ ही पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की यहाँ पर उनको संभावना जताई जा रही है। पूरे हफ्ते के यहाँ पर दौरान देश के किसी भी हिस्से में शीतकालीन की यहाँ परिस्थिति नहीं रहेगी। और चलिए बात अनूपपुर की करेंगे आप, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर में 15 फरवरी 2023 को यहाँ पर पवित्र नगरी अमरकंटक क्षेत्र के यहाँ पर विकास कार्यों का अनूपपुर कलेक्टर आशीष वरिष्ठ ने यहाँ पर भ्रमण किया है और उसका जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जो है अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्प राजगढ़, विवेक और साथ ही बता दें कि यहाँ पर तहसीलदार TR नागर, नायब तहसीलदार दीपक तिवारी और साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी चैन सिंह प्रस्ती, उपयंत्री देवल सिंह, पर्यटन बोर्ड के यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित यहाँ पर संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भी आयोजित 5 दिवसीय मेले के आयोजन के यहाँ पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साथ ही यहाँ पर संपूर्ण अमरकंटक क्षेत्र के यहाँ पर साफ सफाई और साथ ही बाकी और सुविधाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।